नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। बेसिक सैलरी ही नहीं, साथ बढ़ेगा महंगाई भत्ता। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने जा रहा है बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है और महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत का इजाफा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करने में इसका बड़ा ही अहम रोल होता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा उसकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से तय होती है। ये वो फैक्टर है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। वही अब JCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर भी पत्र लिखा। आठवें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। दोस्तों, बजट में तो केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा, लेकिन आने वाले टाइम में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है। DA मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला निकाला जाता है। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी और पे स्ट्रक्चर तय किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।